शिक्षक साथियों नमस्कार। उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान सत्र में छात्रवृत्ति संबंधी कार्य शुरू हो चुका है। इस कार्य को करने के लिए हमने विगत वर्ष आप सबके लिए टेक्निकल ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए थे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। इस बार भी वो सब प्रोसेस उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने पिछले बार किया था। यदि आप किसी क्रम को भूल गए हैं अर्थात कोई चीज़ में आपको दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए हमने एक PDF तैयार किया है। इस PDF की खास बात यह है कि इसमें छात्रवृत्ति संबंधी समस्त हेल्पफुल वीडियो एक ही पेज पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यदि आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पासवर्ड भूल गए तब क्या करें, ये लिखा हुआ है। उसके बाजू में एक चित्र है, इसे जैसे क्लिक करते हैं तो पासवर्ड भूल गए तो नया पासवर्ड किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित वीडियो जो है आपके मोबाइल पर तुरंत प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही वीडियो प्ले होता है आप वीडियो को लाइक कर देना और उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसी प्रकार यदि आप पासवर्ड के अलावा कोई और चीज़ को दिक्कत हो रही है, किसी और कार्य करने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं नवीन विद्यार्थियों का फॉर्मेट ए कैसे भरे, ठीक है, तो इसको टच करेंगे। नवीनीकरण फार्म कैसे भरे, यहाँ इसको टच करेंगे। गलती से निरस्त हो जाने पर कैसे विद्यार्थी के डिटेल को रिस्टोर करें, इसके लिए यहाँ पर अर्थात क्रम बाय क्रम जो है स्टेप बाय स्टेप हमने सारे चीज़ को यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि आप इस PDF को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर। जैसे ही उस लिंक को आप टच करेंगे, यहाँ पर देखिए एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जैसे इसको आप टच करेंगे उसके बाद यह PDF आपके मोबाइल पर ओपन हो जाएगा। और आपके मोबाइल पर जैसे ही ओपन होता है आप जो है यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके मोबाइल पर 3 डॉट आएगा, उसे जब टच करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसे आप क्लिक करेंगे ये PDF आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो जानकारी है, ये जो सुविधा है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और किसी भी प्रकार की नए अपडेट के लिए, छात्रवृत्ति संबंधी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस सत्र का जो भी नया अपडेट आता है वो हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।